हेलो, क्या नाम है आपका भाई? मैं प्रताप तिर्की, मेरा नाम। कहाँ चले जा रहे हैं? बस ऐसे ही, मतलब घूमने आया हुआ था। कहाँ? ये घूमने वाली जगह है, सड़क दिख रही है आपको? गांव है तो। किस पद में हैं आप? झूठ मत बोलिएगा। मैं उप सरपंच हूँ यहाँ का। अच्छा, इसीलिए आप जो है दबे पांव भाग रहे थे? नहीं, ऐसे बात नहीं है। ऐसे बात नहीं है। ये सड़क देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं। तो ये कैसा है यहाँ के जो है ग्रामवासी कुछ और बोल रहे हैं? यहाँ का रोड तो देखिए काफी सालों से स्थिति खराब है। बरसात, विशेषकर बरसात के दिनों में काफी आना जाना मुश्किल हो जाता है। ये अब हम लोग भी पंचायत स्तर से बहुत प्रयास किए। हम जब कभी भी ग्राम सभा बैठक होता है, पंचायत बैठक होता है, तो प्रस्ताव करते हैं, लेकिन हमारे सच्चू सरपंच ध्यान नहीं देते हैं। मैं तो सरपंच हूँ। नहीं देखिए, आप जो है, आपके ऊपर जो है पूरी जनता जो है विश्वास करके आपको एक तो जनप्रतिनिधि बनाई, बोलो सही है कि? सही है। और आप जो है फिर वो शासकीय कर्मचारियों के ऊपर में ठिकरा फोड़ दे रहे, तो गलत बात। नहीं, शासकीय कर्मचारियों के ऊपर नहीं फोड़ रहा हूँ मैं। बस क्या है कि ग्राम सभा बैठक होती है, या ग्राम सभा बैठक में पंचायत प्रस्ताव में प्रस्ताव करते रखते हैं हम लोग। तो भाई हम लोग पंचायत बैठक में पंचायत प्रस्ताव रख सकते हैं। हमारे पास उतना ज्यादा वित्तीय पावर तो है। क्या लगता है, अभी तो मुख्यमंत्री के भाई इलाके के आप लोग हो गए हैं, है ना? जी, इसी जगह के मुख्यमंत्री भी हैं थोड़ी दूर में। जी, तो लगता है काम होगा। जी, बिल्कुल उम्मीद तो लग रहा है। बिल्कुल उम्मीद तो लग रहा है। अभी तो देखिए, अभी भी तो क्या है, सरकार का आपकी जानकारी है कि यही जो मुख्यमंत्री हैं, दो बार के विधायक, दो बार के सांसद, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इस्पात मंत्री भी रह चुके हैं, तो पूर्व में भी कामें हुई हैं? नहीं देखिए, पूर्व में तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो अब उम्मीद है मुख्यमंत्री बन गए, हमारे क्षेत्र, हमारे विधानसभा क्षेत्र से बन गए हैं, तो मतलब उम्मीद, मतलब और भी, मतलब अभी तो छत्तीसगढ़ की जनता जो है उनपे उम्मीदें टिकाई हुई है। जी, आप जो है क्षेत्रवासी का, क्षेत्रीयता का आभार कर रहे हैं। देखिए, अब इस विधानसभा क्षेत्र है तो उम्मीद तो लगेगा। जैसा कि ये जनप्रतिनिधि थे, भाग रहे थे, इनको हम पकड़े हैं और इनसे पूछ रहे थे कि क्या भाई क्यों नहीं सड़क बना है और क्यों आखिरकार जो है जनता के साथ में छलावा हो रहा है। तो इन्हें बड़े सादगी से जवाब दिया कि पहले तो हम थक गए आवेदन देते हुए, शिकायत करते हुए, और आज जो है एक नई उम्मीद की किरण विष्णु देव साय के रूप में दिखा है इन्हें। शायद इनकी मनसा अनुरूप काम हो, यही हम कामना करते हैं। 22 मई 1998 में यह जिला जो है अस्तित्व में आया। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र, भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं जसपुर जिले में और यही वो जसपुर जिला है जहां के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय हैं। और आपकी जानकारी में एक बात और देना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री का गृह ग्राम जो है बगिया, जी हां, हम फरसाबहार ब्लॉक के फरसाबहार ग्राम पंचायत में ही है। यहां की सड़कों की जो स्थिति आप देख रहे हैं, पिछले कई वर्षों से जो है अपने कार्य को, अपने कुशलता को जो है दिखा रही है। और यह बड़े दुर्भाग्य की बात कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री के विधानसभा के क्षेत्र का मामला है। पहले भी यहां पर भाजपा जो है शासन कर चुकी है इस विधानसभा क्षेत्र में, पर वर्तमान स्थिति जो है कुछ और बयां कर रही है। कुनकुरी जो विधानसभा क्षेत्र है उसे ही बताया जाता है। यहाँ की कुछ लोग हैं जो उनकी समस्याएं हैं, आइए रूबरू होते हैं। क्यों भाई, क्यों इकट्ठे हो गए हो यहाँ? क्या नाम है आपका? विलियम। तो क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोग की और क्या समस्या, क्या नहीं पूरी हो पा रही है भाई, क्यों इकट्ठे हो गए? तो रहे कि आने जाने के लिए साधन नहीं है, सड़क जैसे वही दिक्कत है। अभी तो सूखे टाइम में ठीक है, थोड़ा बरसात में मुश्किल है। मुश्किल है। आपका नाम क्या है? जिनेबी बखलको। तो क्या समस्याएं हैं प्रमुख जो पूरी नहीं हो पा रही हैं और इतने सारे लोग इकट्ठा होकर के जो हल्ला बोल कर रहे हैं? सड़क नहीं बनी है, सड़क में कीचड़ हो जाती है, पानी गिरती है तो, और ना बच्चे लोगों के लिए स्कूल जाने के लिए बहुत दिक्कत पड़ता है, पीने के लिए पानी भी बहुत दिक्कत पड़ता है। तो ये पीने का पानी भी आपको उपलब्ध नहीं है?
नहीं है हमारे यहाँ, सूख जाती है पानी गर्मी में नहाने के लिए भी। तो आप शिकायत नहीं किए कहीं? किए थे, कितना बार एप्लीकेशन भेजे थे, कितना बार गए हैं यूडी के पास भी, लेकिन हम लोग का पूरा मांग, हम लोग का पूरा मांग नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि अभी मांगे पूरी होंगी? पता नहीं, पता नहीं होएगा कि नहीं, अभी भी यकीन नहीं है। यकीन तो नहीं लगता है, बोलते तो हैं कि यहीं से मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय, बने हैं मगर करते नहीं है। तो आप विश्वास रखेंगे तब तो? यहाँ पर बुजुर्ग महिला हैं, क्या समस्याएं हैं, क्यों आप लोग सड़क में उतर गए हैं भाई? भाई हम लोग बहुत साल से हम लोग इस सड़क की समस्या से बहुत परेशान है। हम लोग कितना बार मंत्री के पास, गाँव वालों से चंदा दे, गरीब दुखी लोगों से चंदा मांग मांग के हम लोग यूडी मींस के दरवाजा के पास गए थे। एक बार गए थे तो हम लोग ढूंढ के, हम लोग यहाँ से दतवन करके केवल गए थे चाय पिए, लेकिन हम लोग पाए और हमारी समस्या को लिखित द्वारा भी दिए, फिर हम लोग बोल के भाई कभी नहीं उन्हें सुने। मैं अभी 20 साल हो गया इस सड़क के लिए, हम लोग मांग कर करके थक गए। तो हम लोग का जो जनता है वहाँ 500-600 है, और जनता का विश्वास भी घट गया, इसलिए हम लोग बहुत परेशान है। जैसे कि बरसात के दिन में हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमारे बच्चे गिर जाते हैं तो लौटना पड़ता है, फिर हम लोग के बच्चे लोगों को उस दिन का पढ़ाई बंद हो जाता है। इस प्रकार हमारे गांव के जनता को भी, विधायक या कोई भी मंत्री रहेंगे, विश्वास एक प्रकार से घट गया है। और अभी जो हमारे विष्णु सह से हम लोग अनुरोध करते हैं, अभी बगिया के है, पास के है, दूर के तो ध्यान नहीं दिए सर, लेकिन पास के है, इसलिए हम लोग विश्वास करते हैं कि ये समस्या को हमारी हल कर दे। तो आपको विश्वास है कि वो मांगे जो है पूरी होंगी? हम लोग विश्वास करते हैं, पास के हैं, हम लोग विश्वास करते हैं जरूर मांगे हमारी पूरी करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम लोग फिर से हम लोग जाएंगे उसके दरवाजा के पास भीख मांगने के लिए। हम लोग और हम लोग विश्वास करते हैं कि वो देगा। तो यहाँ और क्या क्या प्रमुख समस्या है? एक तो सड़क आप बता दिए, दूसरा एक तो है कि हम लोग के पास पानी का समस्या, जैसे कि बरसात गर्मी के दिन में जैसे कि बोरिंग है, कम है, जनसंख्या ज्यादा है, तो वो भी हम लोग की समस्या है। जैसे कि कई सरकारें जो है वादा करते थकती नहीं है कि हम सड़कों का जो है माया जाल बिछा दिए हैं और पीने का स्वच्छ पानी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जल की समस्या। एक युवा है, क्या नाम है भाई आपका? रवि कुजूर। रवि जी, क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ सड़कों पे उतरे हुए? समस्या रोड की है और पानी की है दोनों। अच्छा अच्छा, तो लगता है कि वर्तमान सरकार आपकी सुनेगी? सुनना चाहिए अभी। हमारा पूरा स्कूल जीवन यही गांव में बीता, तब तक अभी तक बना तो नहीं है एक ही बार रोड। तो अभी पास के बने हैं चीफ मिनिस्टर, तो फिर उनसे रिक्वेस्ट तो करना पड़ेगा और करना चाहिए जल्दी। जी, जैसा कि ग्रामीणों ने एक बात और यहां की महत्वपूर्ण बात बताई है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के महज 15 किलोमीटर की दूरी में फरसाबहार ब्लॉक मुख्यालय आता है, जो कि जसपुर के जिले अस्तित्व के समय से ही यह ब्लॉक को माना जाता है। और यहाँ की एक सबसे बड़ी जो समस्या है वह जो है प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था तो यहाँ है, पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोल लिया जाए तो हायर सेकेंडरी की क्लास आज तक यहाँ शुरुआत नहीं हो पाई है। यहाँ कुछ लोग खिल्ली भी उड़ा रहे थे कि आने वाले बजट सत्र में जो है मुख्यमंत्री अपने आस पास के जगहों की खाका तैयार करके उसमें शामिल करेंगे, पर विशेष बात यह है कि इन्हें खाली ही रहना पड़ा। जैसे कि सड़क की समस्याओं को लेकर के ये लोग सड़कों पे उतरे हैं, क्यों भाई, कहां कहां शिकायत किए हो? मैं शिकायत यूडी भैया से के पास भी गया था, वहां पे कितने बार आवेदन जमा कर चुका हूँ, और मैं यहाँ अनुरंजन तिर्की वार्ड 19 वार्ड का हूँ, क्योंकि मैं इतने प्रयास करते हुए भी अभी तक प्रयास पूरा नहीं हो पाया है। तो इस आधार से हमको थोड़ा सा, अब 5 वर्षीय योजना पूरा होने जा रहा है, फिर भी से हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमको आना जाना करना पड़ता है, पब्लिक हमको जब देखता तब बोलता है क्यों रोड ऐसे, हम आपको पंच बनाए हैं क्या देख रहे हैं, इसे दो शब्द सुनना पड़ता है पंच होते हुए। तो हमको थोड़ा सा दर्द होता है, क्योंकि और अगले में मैं पंच बनूंगा ही नहीं, जिसे लगता है हमारी जो भाई बंधु है जो इन लोग, इस हिसाब से मैं अपना दुख आगे तक पेश कर चुका हूँ।
हमारी समस्या और एक है गैस, जो कि हमारे फरसाभार नाम से गैस एजेंसी तपकरम में हो गया है। हमको वहाँ गैस के लिए जाना पड़ता है 15 किलोमीटर लगभग, क्योंकि हमको अब हर किसी के पास व्यवस्था नहीं है, बाइक नहीं है, हमको तो जरूरी है गैस चावल बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, तो हमको उतना दूर जाने में उतना समय पर्याप्त नहीं हो पाती है। इस आधार से हमारे वो है यहाँ फरसा बाहर ही ले आया जाए। जैसा कि बता रहे हैं कि एक उज्ज्वला गैस योजना के नाम पर सरकारें जो है बड़े पैमाने पे जो है अपने पीठ को जो है खुद थपथपाते हुए दिखते हैं, और एक तरफ यहाँ की समस्याएं बता रहे हैं कि 15 किलोमीटर दूर यहाँ के गैस सिलेंडर को लेने के लिए इन्हें जाना पड़ता है। जबकि आपकी जानकारी एक और दुरुस्त करा दूं कि तपकरा ब्लॉक जो है कहीं और है और फरसा बाहर अलग है। क्या बच्चा, क्या समस्या है? आपको भी समस्या है क्या? जी। क्या समस्या है भाई? स्कूल जाते हैं तो रास्ता में फिसल के गिर जाते हैं। फिर? और जब जूता गंदा हो जाता है ना, फिर घर लौटते हैं, दूसरे दिन स्कूल जाते हैं तो फीस लेते हैं। फाइन लेते हैं, इसका मतलब। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक नन्हा मुन्हा छात्र जो है कह रहा है कि जब हम फिसल के गिर जाते हैं और स्कूल देर से पहुंचते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं तो इन्हें शुल्क भी पटाना पड़ता है। इसी तरह के बेबाक खबरों के लिए भारत सम्मान जाना जाता है, और हम लगातार हमारी मुहिम जारी रहेगी कि हम छोटी छोटी समस्याओं से लेकर के गांव की गलियों की समाचारों से लेकर के सदन तक की खबरों पर कड़ी पहर रखेंगे। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।